हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा, अगर आप भी अपने मीशो डिलीवरी बॉय की कंप्लेन करना चाहते हैं तो कैसे करें, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा। तो अगर आपके साथ कोई रूड बिहेवियर करता है डिलीवरी बॉय, तो आप उसकी कंप्लेन करना चाहते हो तो कैसे करें, आज की वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दो मेथड होते हैं उनसे कॉन्टैक्ट करने का। एक मेथड होता है कि आप उनको डायरेक्ट कॉल करें कस्टमर केयर को, और वहाँ से आप उनकी कंप्लेन कर सकते हैं। तो कस्टमर केयर का नंबर आपको गूगल पे मिल जाएगा। पर मैं आपको आज दूसरा मेथड बताऊँगा, आपको मेथड मैं बताऊँगा ईमेल वाला, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड है। तो कैसे करें, आज की वीडियो में बताऊँगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउज़र है उसको ओपन कर लेना है। तो ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे सिंपली सर्च करना है। तो यहाँ पे आपको भी सेम चीज़ सर्च करनी है जो मैं करूँगा। तो यहाँ पे हमें सर्च करना पड़ेगा मीशो स्पोर्ट। तो मीशो स्पोर्ट यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। और इसको सर्च करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैं नीचे से क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पे उनका स्पोर्ट के लिए उन्होंने ये नंबर भी दिया। आप नंबर से भी कॉल करके उनसे प्रॉब्लम को बता सकते हो अपनी, और वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। पर मैं आपको अलग मेथड बताऊंगा, मैं आपको एक ईमेल वाला मेथड बताऊंगा, क्योंकि ईमेल वाला मेथड ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, उनकी टीम तुरंत ही तब उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। तो help@meesho.com उनका ईमेल एड्रेस है। इस मेल एड्रेस पर उनको एक मेल सेंड करना है। किस फॉर्मेट में मेल सेंड करना वो सब आज की वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है इस वीडियो में। तो सब्जेक्ट क्या होगा, जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम अपने मीशो ऐप में, वो यहाँ पे लिख देनी है। तो प्रॉब्लम को लिखने के बाद हमें जाना है कंपोज ईमेल वाले सेक्शन पे। तो कंपोज ईमेल वाले सेक्शन में हमें क्या करना है, हमें अपनी डिटेल देनी है, जैसे हमारा नाम क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल, जो जिस अकाउंट में प्रॉब्लम आ रही है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे देनी है। उसमें आपको मोबाइल नंबर सब कुछ लिख देना है स्टेप बाय स्टेप। और ये सब लिखने के बाद हमें जो प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में लिखना है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपको उनको एक्सप्लेन करना है, कब से ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, उसके बारे में पूरा डिटेल में लिख देना है। उसको लिखने के बाद हमें क्या करना है, हमें एक स्क्रीन शॉट है जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं उसका स्क्रीन शॉट अटैच कर देना है इस मेल के साथ। तो ये सब करने के बाद हमें एक बार अपने जो मेल है उसको सेंड कर देना है। जैसे आप इस मेल को सेंड करोगे आपको फिर 48 घंटे वेट करना है। वैसे तो बहुत ही जल्दी रिप्लाई कर देते हैं, मिनिमम 48 आवर्स आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी टीम कभी कभी कुछ एरर के कारण आपकी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ टाइम लग जाता है। तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे या फिर आपको मेल सेंड कर देंगे और उसमें सॉल्यूशन बता देंगे। तो वीडियो